ये क्या ये है? हमारा जाने की बात है सिंगापुर में जो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। हाँ, वेपन ट्रेनिंग रानी झांसी रेजिमेंट की सोल्जर्स बेनेट फाइटिंग कर रहे हैं। तब जापानी ने कहा इंडिया विमेन सोल्जर वेरी गुड सोल्जर। हाँ, यूरोपीय देश ने। सो देश जो तो देश। हाँ, आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट के मेंबरान कुछ मेंबरान हैं, सहाय साहब, यू आर देयर, कर्नल लक्ष्मी, नेताजी, जनरल भोंसले, कर्नल भगत, जनरल जमान कियानी, जनरल अजीज अहमद, जनरल शाहनवाज खान एंड कर्नल गुलजारा सिंह। व्हाट ए डे! ये था वो दिन विच इज द फोर रनर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द एक्चुअल सॉवरेन गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर वो लोग तो मानेंगे नहीं, वो माने ना माने हिस्ट्री तो मानेंगी। We will live taller when we are no more. अभी भी तो देख लीजिए, 50 वर्ष लगे तो तब हमको मानने लगे, नहीं तो we have been absolutely in the desert blues. कोई नहीं था जानता, गली का कुत्ता क्या जानता था हमें, उसको भी मेयर स्पोर्ट्स जो था वो ज्यादा अच्छा लगता था हमारे से। ये तो समय है, समय बड़ो बलवान है, कुछ नहीं बलवान। थैंक यू वेरी मच। कर्नल ढिल्लो, सिर्फ आप तीन अफसरों का मुकदमा क्यों किया गया? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और हम लोग भी सोचते थे कि हमें क्यों चुना गया। हमारी खुद की कुछ किस्मती ये थी कि हम लोग तीनों एक ही एरिया के बीच में लड़े, जहां के जापानियों की खांजो बताई जो थी उससे भी ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी। दरअसल ये माउंट पोपा के एरिया में वी थ्री फॉट सो वेल के वी क्वालिफाइड आवरसेल्व्स फॉर द ट्रायल।